क्योंकि जब आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, व्यवसाय टूरिज्म ये सब है जो कि जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं, इसमें उत्तराखंड में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी रहता है कि पर्यावरण और विकास के बीच में एक परस्पर संघर्ष रहता है। जब भी रोड चौड़ी करने की कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई नया डेवलपमेंट होता है, तो PIL सुप्रीम कोर्ट तक गया कि भाई रोड चौड़ी मत कीजिए, इससे पर्यावरण का डैमेज होगा, और होता है भूस्खलन भी होता है, ये भी एक प्रॉब्लम रही है। तो कैसे आप इसको रिकनसाइल करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट संघर्ष। पद्मजा जी, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस बात को सुनना भी चाहेंगे। देखिए, जब डेवलपमेंट होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हम सब लोगों को होती है, और उसके कारण से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः आज देखिए आप कि ऑल वेदर चार धाम रोडें बनी हैं। एक जमाना था कि बद्रीनाथ पहुंचने में, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जब हम पहुंचते थे तो दो दिन तीन दिन लगते थे, दो दिन तीन दिन से गाड़ी से यात्रा होती थी, और आज हम 6 घंटे 7 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आगे बढ़ा है, लेकिन हम लोगों का जो मॉडल है उत्तराखंड के अंदर, जो हमने मॉडल बनाया है, वो मॉडल हमने बनाया है इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस रहे, यानी कि दोनों चीजें रहे, क्योंकि इकोलॉजी भी बची रहनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य भी है जो सभी को अच्छी हवा देने का काम करता है, गंगा यमुना और अनेकों नदियां जो है वहां से निकलती हैं, शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। हमारे यहाँ पर 70% से भी ज्यादा जो हमारा भूभाग है वो फॉरेस्ट है, तो इतनी सारी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं वो केवल हमारे काम नहीं आती है, केवल उत्तराखंड के काम नहीं आती है, वो पूरे देश को हम लोग देने का काम करते हैं, पूरी दुनिया को एक तरह से देने का काम करते हैं।